जाके मैंने फुकरा इंसान को मैंने शाउट आउट दे के आया। लेकिन सलमान खान के फॉलोवर्स गिर रहे, तो मैं तो एल्विस यादव कौन है भाई? बरोबर, हम गलत करेंगे तो हमारे बैंड बजाएंगे। और अगर भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि भाई इसको धक्का मार के ना बाहर निकाले बिग बॉस से, दोनों को अभिषेक और एल्विस दोनों को। भाई लड़के के बारे में बोलोगे तो सलमान खान छोड़ेंगे नहीं। आप ही बताओ कौन याद कर रहे हैं सबसे ज्यादा? मुझे लगता है सबसे ज्यादा तो मुझे अभिषेक और मनीषा और एल्विस, मैंने सब तीनों के बात सुनी थी। और कौन याद कर रहा है आप बता दो? और कौन याद? मैं चाहती हूँ सिस्टम मुझे याद। हाँ सिस्टम, मुझे एल्विश अच्छे लगते हैं, मुझे अभिषेक अच्छे लगते हैं, मनीषा रानी तो मुझे बिगनिंग से ही एंटरटेनिंग लगती है। ऑल द बेस्ट टू यू एल्विश। यार मैं अपनी लाइफ में थोड़ी प्राइवेट के, तुम लोग बहुत मां बहन करते हो फिर इसलिए, और तुम्हारे जरिए जो और बैठे रहते हैं अनपढ़ लोग वो साले और हाथ में उनके मिल गया। मेरे एक मैंने एक फलक, मेरी दोस्त है बहुत पुरानी यार, मैंने उसके पोस्ट पे कमेंट कर दिया, उसके एल्विस के लड़के मेरे पीछे पड़ गए, मेरे हर कमेंट पे पोस्ट पे आके पता नहीं क्या क्या लिख रहे। ओ दिस टाइम आई एक्चुअली आई स्टार्टेड वॉचिंग एंड बिकॉज ऑफ ओनली वन पर्सन and I hope you all know that. बताओ ये कुछ भी नहीं है भाई, उसका काम ही यही है। आप उसके कॉन्टेंट जाके अगर देखोगे ना, तो वो दूसरे को रोस्ट करना, गाली देना, नीचा दिखाना और बहुत ही वल्गर लैंग्वेज यूज़ करना, जिस ऐसे कॉन्टेंट वो बनाता है जो अपन फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। आप उसको सपोर्ट करो और उसको जिताओ, तो मेरे हिसाब से डिजर्विंग तो फुकरा इंसान और या मनीष है। अभिषेक और एल्विश दोनों को मैं बिग बॉस ही देख रहा हूँ, बट यूट्यूब देखा है तो मुझे एल्विश पसंद है, मतलब यूट्यूब पे। तो जाके मैंने फुकरा इंसान को मैंने शाउट आउट दे के आया, और वैसे तो सभी अच्छा खेल रहे हैं अंदर, पब्लिक जो सभी अच्छा करे, बट या पर्सनली मैं चाहता हूँ कि फुकरा इंसान जीते तो बहुत सही वाइब आएगा, है ना। मैंने देख एल्विश यादव को मेरा प्यार देना, बहुत ही सोचा हुआ बंदा लगता है वो। सिस्टम हैंग कर रहा है वो। सिस्टम है भाई, सिस्टम सही बोलता है ना। जी आप सुन रहे हैं कि नहीं? हमें जाने दें बिग बॉस ओटीटी में, हम जाएंगे एल्विश यादव से बातचीत करेंगे, दोस्ती करेंगे, सिस्टम है भाई बोलेंगे। मैडम इधर देखिए, अब आगे मत जाओ यार, हाथ आ रहा है पूरा पीछे। जिया हमारी फ्रेंड है तो वो अच्छा कर रही है, वो सही कर रही है। बाकी YouTube वालों ने कमाल कर रखा है, मुझे लगा धमाल कर दिया उन लोगों ने, दोनों ने फुकरा इंसान और एल्विश ने, तो मैं तो फैन हो गया उनके वन लाइनर का, उनके डायलॉग का। एल्विश वाला ना सिस्टम सिस्टम सही है यार, अच्छा है, चल रहा है, व्हाटएवर वर्क्स फॉर हिम। बट आई थिंक मैं देख रहा हूँ YouTube का एक नया दौर आ गया है कि YouTube वाले भी मतलब बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग और बहुत अच्छे सेलिब्रिटी बन गए, एंड आई रियली विश देम द बेस्ट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक दीज आर सेल्फ मेड सेलिब्रिटीज एंड इन बात की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा नहीं बट मेरी नजर है। एल्विश के बारे में क्या कहना है, उनका गेम कैसा लग रहा है? एक्चुअली उनका गेम अभी फिलहाल मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि वो डिफरेंट ट्रैक पर जाकर खेल रहे हैं, और मेरे हिसाब से उनको उसका बेनिफिट्स भी मिल रहा है, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं वो, और आई थिंक मुझे लगता है कि उसमें पोटेंशियल है, वो आगे मुझे लगता है उनका गेम अच्छा होगा। देखिए सलमान खान अगर किसी पे चिल्लाता है तो वो किसी वजह से चिल्लाता है,
और मुझे लगता है कि उन्होंने उनकी गलती पे उनको चिल्लाया, तो ठीक है 9 मिलियन गिर गए, आप कुछ नहीं कर सकते हो, वापस आ जाएंगे आई थिंक. ओ दिस टाइम आई स्टार्टेड वॉचिंग एंड बिकॉज ऑफ ओनली वन पर्सन एंड आई होप यू ऑल नो दैट. बताओ यस ही इज डूइंग सच एन एस्टोनिशिंग जॉब और दिखा दिया सिस्टम क्या होता है. yes. अपना भी सिस्टम है ना भाई. सिस्टम उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती बिकॉज सलमान इज सलमान. बट सी आई डोंट वांट टू, तुम लोग को भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, 3 मिलियन तुम लोग के पास. हाँ आई डोंट वांट टू मेंशन फॉर सलमान खान बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज द किंग ऑफ द इंडस्ट्री. बट अ कॉमन पर्सन जिस हिसाब से बिग बॉस में आया और जिस हिसाब से अपना सिस्टम दिखाया और सिस्टम हिला भी दिया, सो दैट शोज ऑल that common from the mass of the mass and how he did it. So all the best to Elvish. I'm sure wild card isko bolte hain asli wild card, lekin log keh rahe hain ki Manisha Rani aur Abhishek jeet sakte hain kya. To mere liye to yehi tino, sirf main in tino ke liye dekhti hu, Manisha, Abhishek and Elvish, that's it. Manisha ko kaafi defame kiya gaya, bola gaya entertainment nahi. Yeah, I really have no clue, but she is doing such an amazing job. She is doing such an amazing job and being just only one, no one is supporting her, but then the way she is doing it, it's commendable. What about Pooja Bhatt? People saying Pooja Bhatt should be in the big one. No comments. But I am there only for this three people and Elvish Rocks. Lot of news also come, you also going inside the big one. Yes. Yes, hopefully looking forward to फिर और एक सिस्टम हिला देंगे. लेकिन सलमान खान के फॉलोवर्स गिर रहे हैं तो मैं, अरे रे रे बिल्कुल नहीं. सलमान जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा सलमान खान आपके और आपके फॉलोवर्स का नाम रहेगा. तो एल्विस यादव कौन है भाई? बरोबर. हम गलत करेंगे तो हमारे बैंड बजाएंगे भाई. लड़की के बारे में बोलोगे तो सलमान खान छोड़ेंगे नहीं. Yes. तो ये झंडू लोग आते जाते ना, इसके लिए तुम सलमान खान को कंपेयर नहीं कर सकते. एल्विस यादव जो बिग बॉस के, एल्विस यादव बहुत अच्छा है, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं. देखो ठीक है, आम इंसान है, लेकिन सलमान खान, ये पहले गुलाब जामुन नीचे रखो. मुझे पसंद नहीं है, मेरे नाक में मत घुसाओ, नीचे रखो. तो सलमान खान जो इतनी मेहनत करके आए हैं, अगर उनके कितने फॉलोअर्स नीचे हो गए, 3 से 4 मिलियन, हाँ मिलियन, तो 50 मिलियन फॉलोअर बढ़ भी जाएंगे, समझ गए. हाँ. सलमान खान हर कंटेस्टेंट के लिए जो बोलते हैं ना, वो बिल्कुल सही बोलते हैं. एल्विस ने कुछ तो गलती की होगी. हाँ. है कोई दूध का धुला है क्या? नहीं, नहीं. हम बिग बॉस से आए हुए हैं बंदे, समझ गए. तो जब उनकी सलमान खान ने उनकी बैंड राखी सावंत के बैंड बजाई है, तो एल्विस यादव कौन है भाई? बरोबर. हम गलत करेंगे तो हमारे बैंड बजाएंगे. एल्विस ने कुछ तो किया होगा ना गलत? नहीं किया. तो भाई ये क्या, वैसे गलत क्या किया था उसने? किस पे लाइन मारी थी? किसका किस किया था? किसका लिया था? किसका किस किया था? क्या हुआ था? उसने एक लड़की के बारे में कुछ बोला था कि, तो भाई लड़की के बारे में बोलोगे तो सलमान खान छोड़ेंगे नहीं. बरोबर. फिर क्या बात करते हो तुम? सलमान खान के खिलाफ कोई जाएगा नहीं. सलमान भाई टेंशन नहीं, अगर आपके 3 मिलियंस 4 मिलियंस गिर गए, आई स्वेयर 50 मिलियन आ जाएंगे. ठीक है. देखो हर बिग बॉस में कंटेस्टेंट आते जाते हैं, इस बार कोई अभी यादव आया है, कल जाए. हाँ अभिषेक यादव, फुकरे इंसान जो है, अभिषेक, एलवी सब आए हैं, जाएंगे. सलमान खान हमेशा बरकरार रहेंगे. राखी सावंत आएगी जाएगी बिग बॉस में, सलमान खान बरकरार रहेंगे. तो ये झंडू लोग आते जाते ना, इसके लिए तुम सलमान खान को कंपेयर नहीं कर सकते. मैं भी एक बड़ा झंडू हूँ. अब इससे पहले कि मैं डू और बोल दूँ, हट जाओ. सिस्टम वहाँ पे हैंग हो गया सलमान भाई के सामने, और बहुत ही वो फेक पर्सनैलिटी है. क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे वन ऑफ द वेलविशर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो हमारे फैंस के बारे में, टीम 07 के फैंस के बारे में और सलमान भाई के फैंस के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला है. झुग्गी झोपड़ी वाले हैं तो जाहिल है, तो पैसे नहीं रहते हैं, बाल कलर करते हैं. तो अलहमदुल्ला अच्छा हुआ भाई ने अभी तक का देखा नहीं है शायद, पर झुग्गी झोपड़ी वाले अभी यहाँ तक पहुँच गए. और भी बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी वाले जो बहुत कुछ अचीव किए, एग्जाम्पल वन ऑफ द झुग्गी झोपड़ी वाले में हम लोग आते हैं, जैसे वैसे एमी वे बंटाई भी है और भी बहुत सारे नाम हैं.
तो झुग्गी झोपड़ी से निकल के हम लोग ये लेवल पे पहुँच रहे और खुद के दम पे पहुँच रहे और किसी को नीचा दिखा के किसी को गालियाँ दे के तो नहीं पहुँच रहे। और भाई के जो वीडियोज़ है मैंने देखा था, वो वीडियो है मेरे पास जिसमें वो भाई के फैंस को बहुत उल्टा सीधा बोला, हमारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला है। क्या नाम लिया गया उसने आपका या फिर आपके स्क्वाड का? नाम लिया है तभी तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरी आदत इन लोग के थोड़ा थोड़ी ना है कि इन लोग का तो काम ही है दूसरे को नीचा दिखाना और फालतू बोलना। पर ये मेरे बारे में बोला है और ये रिसेंटली मैंने ये वीडियो देखा, अगर देखा होता मैं पहले ही बोलता था, पर ये अभी आई है मेरे सामने। और सलमान भाई के बारे में भी इतना उल्टा सीधा बोल रहा है और सामने आके अभी भाई भाई कर रहा है। और अगर भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना तो मैं चाहता हूँ कि भाई इसको धक्का मार के ना बाहर निकाले बिग बॉस से। ओके लिविस यादव ने आपने एक उल्टा मार चुप दिया, फिर आप सलमान खान मेरी फोटोज एडिट कर रहे हैं, मेरा स्क्रीनशॉट चैट के जो है उसको एडिट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं भाई। सुपर मनोहर मोदी जी का कि लॉकडाउन होगा तो हम सारे पास हो गए ना, तो बहन साथ भी पास नहीं होते तुमसे। वैसे तो सारी फेक आई डी तो मैसेज कर रहे हैं, पर एक आधी जो दो तीन रियल आई डी मिल जाएंगी खोल के देखोगे तो ना छपरीवाड़ा का है ना मुंबई साइड के जो। तो ऐसे बहुत सारा उल्टा सीधा बोला है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कोई डुअल पर्सनालिटी वाला इंसान जो गाली देके ही खाली आगे बढ़ना चाहे वो इंसान डिजर्विंग है। मेरे हिसाब से फुकरा इंसान बहुत ही नीच खेल रहा है, बहुत ही क्लीन खेल रहा है, तो वो या तो मनीषा डिजर्विंग है। क्यों, पर आपको क्या लगता है इस तरीके का जो उन्होंने आपको कहा, झुग्गी झोपड़ी आपका फिज भाई का जो नाम लिया गया सलमान भाई के फैंस में आ गया, क्या क्यों आप ही लोगों का नाम क्यों सामने लोगों ने लिया, कुछ आपसी दुश्मनी? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, उसका काम ही यही है। आप उसके कंटेंट जाके अगर देखोगे ना तो वो दूसरे को रोस्ट करना, गाली देना, नीचा दिखाना और बहुत ही वल्गर लैंग्वेज यूज़ करना, ऐसे कॉन्टेंट वो बनाता है जो अपन फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, तो इस तरीके से कॉन्टेंट बनाता है वो और बस इस वजह से मैं नहीं पसंद करता हूँ उसको। आपके फैंस लोग के लिए मैं डाइटिंग करती हूँ, रोटी से चावल से ब्रेड से परहेज करती हूँ, तो बचा क्या, सैलड चिकन फिश मटन दाल सब्जी ये सब है। उसके सिक्स पैक्स है क्या? दो है दो तो है दो तो है दो तो है